सर ग्रेफाइट इंडिया पे क्या राय बनती है? देखिए, ये कंपनी जो है इलेक्ट्रोड बनाती है, और इलेक्ट्रिकल आर्क फर्नेस जो है, जहाँ से कि आपको कम जो है पोल्यूशन होता है, उस पे जो है इलेक्ट्रोड बनाती है ये कंपनी। लेकिन ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली स्टील इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ चीज है, और स्टील इंडस्ट्री जो है इन दिनों, और जैसा कि मैं बता रहा था कि उम्मीद है कि लास्ट ईयर से जो है सब्सटेंशियल इसमें मार्जिन में कह लें या फिर नेट प्रॉफिट में कह लें गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जहाँ पर अगर स्टील इंडस्ट्री इंडिया में जब से कि इन पे जो है एक्सपोर्ट लेवी हुआ है, उसके कारण की दिक्कतें आई हैं, और पूरी दुनिया में भी चूंकि मंदी के बात चल रही है, तो मंदी अगर होती है तो सबसे ज्यादा पिटते हैं मेटल शेयर्स, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है स्पेंडिंग नहीं होगी अगर मंदी आ रही है। तो उस लिहाज से ये स्टॉक अभी भी करेक्शन में है, करेक्शन इज नॉट ओवर, अंडर कंसोलिडेशन है स्तरों पे, और 350 के पास एक डबल बॉटम ऑलरेडी बन चुका है, तो 370 के भाव है, तो आपको देखना चाहिए कि किस तरह से ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहे हैं। 350 के आसपास मिलता है तो एक बार थोड़ा ट्राई कर सकते हैं, मतलब बहुत ही कम एक्सपोजर लेके। और लेकिन ये ध्यान रखें कि ये स्टॉक में काफी तेजी होती है जब मेटल सेक्टर के आउटलुक अच्छे होते हैं, क्योंकि मिडिल सेक्टर में हमेशा एक्सपेंशन देखने को मिलता है। मिडिल सेक्टर के आउटलुक जैसे ही चेंज होंगे, उनको लगता है कि ये स्टॉक तब पकड़ना चाहिए। जी।